थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, इसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं आज, और एंट्रोपी के नेक्स्ट क्लास में होंगे और अवेलेबिलिटी के उससे नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो टोटल तीन क्लासेस में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पूरी तरह खत्म करेंगे। और इसके साथ साथ पीडीएफ मैं आप सभी को दे रहा हूँ, उस पीडीएफ में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आज, जितने भी क्लास में हो जाए इनफ है, उसके बाद जो भी बच जाएंगे वो आप खुद से ट्राई करोगे, और अगर किसी को डाउट आता है तो मेरे से कंफर्म कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे कोई भी डाउट है तो। क्लियर, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल सभी को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, ये सब्जेक्टिव में आया, पेपर टू का क्वेश्चन है ये। यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको ये बताना है कि ये दोनों पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ये इररिवर्सिबल इन नेचर है। पहला फ्री एक्सपेंशन, दूसरा हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। सिर्फ मैं एक मिनट सोचने के लिए दे रहा हूं, उसके बाद जिसको भी आंसर पता होगा माइक ऑन करके आंसर बोल देगा। एक मिनट के लिए सोचिए। सर एक तो सर फ्री एक्सपेंशन में ना सर, हेलो, हाँ जी बोलिए सर, वो प्रोसेसर बहुत तेज होगा ना सर, और रिवर्सिबिलिटी लिए पहली कंडीशन तो यही होगी ना सर कि प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हम जब तो किसी गैस को सर वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो उसके जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वो हाईली सर स्पीड में होती है, तो हमारी रिवर्सिबल नहीं होगी। और दोबारा दूसरी चीज ये कि हम अगेन उसको वैक्यूम से उस चेंबर में नहीं ले जा सकते सर, इसलिए इरिवर्सिबल है। ओके, और सो जो हीट ट्रांसफर है हमारा फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे, तो जब हीट को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे सर हीट को ट्रांसफर करते हैं तो हमारी जो प्रोसेस होती है बहुत सडनली होती है, तो उस केस में सर जो हमारा प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल हो जाता है। अगर हम किसी हीट को सर ट्रांसफर करते हैं फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे तो बहुत स्लोली प्रोसेस होगी और सर वो हमारी रिवर्सिबल होगी। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक में देखा था कि अगर आपको 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाना है तो सबसे पहले सोर्स जो लगाना पड़ेगा आपको वो लगाना पड़ेगा 20.00001 का, उसके बाद 20.00002 का, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसेस करना है आपको। मैं एक मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक्सप्लेन करो। तो मैंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, चैम्बर को फुली इंसुलेट कर दिया। अब मैंने मान लिया कि जो ये प्रोसेस होने वाला है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मान लिया। जैसे ही गैस को एक्सपेंड करूंगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, मेरे को पता है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है तो मेरे को एक्सपेंशन के दौरान कुछ ना कुछ वर्क जरूर मिलेगा, क्योंकि वर्क मिलेगा तभी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। तो यहां पे मैंने एक्सपेंशन के दौरान एक डिवाइस लगा दिया जो कि मेरे को वर्क मिल रहा है, जिससे अब जो ये वर्क मिल रहा है ये वर्क किस लिए मिल रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की है, कोई बात नहीं। अब स्टार्टिंग में मैंने माना था कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है अब प्रोसेस रिवर्स हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इंसुलेशन को हटा के सोर्स लगा दिया और सोर्स को लगा के इंटरनल एनर्जी को वापस उस पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर मैं ये काम कर पा रहा हूं तो सिंगल सोर्स से मेरे को एक वर्क डन मिल रहा है। अगर सिंगल सोर्स से वर्क डन मिलता है तो ये एग्जांपल है PMM2 की, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो PMM2 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है, इसीलिए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल इन नेचर नहीं हो सकती। क्लियर, आगे देखो सर। कुछ हीट रिजेक्ट भी तो हो सकती है, कुछ हीट रिजेक्ट भी तो हो सकती है सर। हाँ, अब रिजेक्ट हो जाए क्योंकि आपने सोर्स के थ्रू हीट दिया है, सोर्स तो खुद ही इनफाइनाइट टेम्परेचर का है, अगर बाहर हीट जा भी रही है आपको मतलब है इंटरनल एनर्जी को वापस उसी पॉइंट पे पहुंचाने की, तो वो तो पहुंच ही जाएगी जितनी मर्जी हीट ट्रांसफर करते रहो आप, क्योंकि सोर्स है, सोर्स तो इनफाइनाइट टेम्परेचर का होता है, उसका टेम्परेचर तो कभी डिक्रीज करेगा नहीं। तो जितनी मर्जी हीट देते रहो आप, अगर लीक भी कर रही है बाहर जा रही है हीट, कोई बात नहीं, जाने दो, इंटरनल एनर्जी तो पहुंच जाएगी ना उस टेम्परेचर तक, उस पॉइंट तक वापिस। सर 344 किलो जूल,
यस सर, 349.661। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट्स का भी आंसर इसी स्पीड में चाहिए मेरे को, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट जो भी आंसर दे रहे हैं आप ही के साथ पढ़े हैं ना। ये हो सकता है कि कई स्टूडेंट जल्दी चीजें समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं बैठा हूं तो मैं ही समझाऊंगा उनको, बट कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि सोल्व कर पाओ। 208 हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। 208.3 आ रहा है। ओके, तो इसको अप्रोच कैसे करना था वो देख लेते हैं, उसके बाद सोल्व तो आप कर ही लोगे। एक बिल्कुल न्यू कैंडिडेट जो एसएससी जेई का एग्जाम दे रहा है तो इसको कैसे सोल्व करेगा वो, बहुत सिंपल मेथड है। इसने बोला है कि आपको हीट बतानी है, कितनी ट्रांसफर हो रही है, कितनी हीट आप सप्लाई कर रहे हो कार्नोट इंजन में। 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो चल रहा है और 200 किलो जूल वर्क दे रहा है। अब जैसे ही उसने कार्नोट बोल दिया ना, तो मेरा तो काम ही आसान हो गया, क्योंकि कार्नोट में मेरे को दो बातें याद रखनी है। पहली बात, एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T2/T1 अच्छा, जब भी मेरे पास 1 - T2/T1 की बात आती है तो मेरे माइंड में एक बात होती है कि हमेशा किसी भी इंजन में जब हम करते थे तो एफिशिएंसी तो किसके बराबर होती थी, 1 - Q2/Q1, हमेशा हीट के बराबर होती थी। यहाँ पे टेम्परेचर क्यों आ जाता है कार्नोट में, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल Q2/Q1 जो होता है वो T2/T1 के बराबर होता है, इसीलिए एफिशिएंसी वो आती है। ये कंसेप्ट तो मेरा काफी पहले से क्लियर है एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट हमने बहुत पहले ये चीजें देख ली थी कि टेम्परेचर स्केल जो है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, उसने ये बताया था तभी एफिशिएंसी कार्नोट की ये होती है। अच्छा, 400 डिग्री सेल्सियस से अगर हीट ले रहा है और ये इंजन वर्क दे रहा है, और सिंक कितने पे है, 15 डिग्री सेल्सियस पे, निकालना क्या मेरे को, ये हीट निकालनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ये बताओ वर्क डन होता क्या है, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, Q1 - Q2 सर, Q2 ये हमने हीट इंजन में देखा था कि Q1 - Q2 जो होगा वो आपका वर्क डन होगा। क्लियर यहां तक? अब Q1 - Q2 इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि वर्क डन यहां पे दे रखा है 200 किलो जूल, तो सिंपल Q1 - Q2 को 200 किलो जूल लिख दो। अच्छा, अब यहां से मेरे को यह भी पता है कि Q2 - Q1 की वैल्यू कितनी है, T2 - T1 कितना है, T2 कितना है, 400 में 273 ऐड कर लो तो 673, क्योंकि केल्विन में रखते हैं हमेशा हम, और 15 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दो तो 288। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अननोन कितने हैं, 2, इक्वेशन कितनी है, 2, हो जाएगा सोल्व, 2 अननोन 2 इक्वेशन। यस सर, Q2 वैल्यू निकाल सर, Q1 में वो इक्वेशन 2 में रख देंगे। हाँ, किसी में भी रख दो, किसी की भी वैल्यू किसी में भी रख दो, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो फाइनली आपका Q1 कितना आ जाएगा, 349.6 किलो जूल। और हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एस्टिमेट लगा के चलो, अपने आप आंसर आ जाता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन थोड़े दूर दूर होते हैं। और Q2 कितना आएगा, 149.6 किलो जूल। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मेरे माइंड में बात आनी चाहिए थी कि यहाँ पे कार्नोट इंजन के बारे में पूछा है, तो कार्नोट इंजन में Q2 - Q1 इज इक्वल टू होता है T2 - T1। क्लियर? और यहां से तो मेरे को पता है कि WQ1 - Q2 होता है, बस दो इक्वेशन, दो अननोन, क्वेश्चन सोल्व हो गया।
किसी भी स्टूडेंट को डाउट यहाँ पे बताओ। सर हीट सप्लाई बराबर प्रोड्यूसिंग वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्या बोल रहे हो? हीट सप्लाइड बराबर हम लिख सकते हैं प्रोड्यूसिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी हाँ, होता है कि आपको वर्क कितना मिला और आपने हीट सप्लाई कितने की, ये भी लिख सकते हो। सर मैंने ऐसे कैलकुलेट, सर मेरा अप्रोच देखिए सर, हेलो मैं ऐसे ही बनाया था वर्क अपॉन हीट सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी अप्रोच ठीक है आपकी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हाँ जी बोलिए सर, मैंने इसी अप्रोच के लेकर ही मैंने 208.3 हाँ थोड़ा सा एक काम करना, क्लास के बाद ना दोबारा से एक बार मोबाइल की हेल्प लेकर, कैलकुलेटर की हेल्प लेकर करना, और उसके बाद खुद से करना, हो जाएगा सोल्व। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप, कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे हो जाएगी ठीक। वो सर मेरा अप्रोच देखिए, मतलब वहाँ पे एन इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, वहां से मैंने एफिशिएंसी निकाला, ठीक है सर? ओके हेलो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इस इक्वेशन में एफिशिएंसी यहां पे पुट कर दिया तो यहां पे Q निकल आया, मतलब ऐसे हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत बढ़िया ही है ना सर। हाँ हाँ ऐसे ही, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया निकाला। हाँ। T2 बाय T1 दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी से Q1 निकल गया क्योंकि W पता है, बहुत बढ़िया ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ। तो जी सर इसको सोल्व कीजिए, क्वेश्चन सोल्व करो ये वाला, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको पता है दो टेम्परेचर है आपके पास, दो टेम्परेचर के बीच में क्या चल रहा है, एक रिवर्स कार्नोट साइकिल चल रहा है। सोर्स का टेम्परेचर बताओ कितना दिया है, 42 में 273 ऐड करो कितना हो गया, 315। सिंक का कितना दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस, 0.26 है क्या सर? 0.26, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 0.24 आया ना? हाँ 2624 दोनों ठीक है, अभी देख लेते हैं आंसर ठीक है। तो 277 इसका आ गया। अब आपको पता है इसने बोला क्या है, किलो जूल पर सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है। रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या बोलता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल बोलता है आपको कम टेम्परेचर से हीट उठानी है, और जब हीट उठानी है तो आपको वर्क देना पड़ेगा, और ये जाएगी हाइयर टेम्परेचर में, ये बोलता है रिवर्स कार्नोट साइकिल, बहुत ईजी है। अब इसने बोल दिया कि हीट कितनी जा रही है, हीट जा रही है 2 किलो जूल पर सेकंड, जो ये हीट जा रही है यहां से वो जा रही है 2 किलो जूल पर सेकंड से ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि आपको ये बताना है कि कितनी पावर चाहिए मेरे को, मतलब कितना वर्क देना पड़ेगा इसमें। मेरे को पता है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में मेरे को वर्क देना पड़ता है तब जाकर हीट ऊपर की तरफ को जाएगी सिंक से सोर्स की तरफ। वही अप्रोच दोबारा वाली है हमारी कि Q2 by Q1 को क्या लिखा जाता है, T2 by T1, क्योंकि ये कार्नोट साइकिल है, यहां तक सभी को पता है। अच्छा T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, क्या यहां से Q1 निकल सकता है? बिल्कुल सर। क्या आया Q1, क्या आया सर? ठीक है 2.26 भी ठीक है, 2.27 भी ठीक है। अच्छा अब आपके पास Q1 आ गया है, अब क्या है वर्क डन, क्या होता है? Q1 माइनस Q2 कर देंगे सर। Q1 माइनस Q2 कर देंगे, Q1 कितना आया 2.27 माइनस Q2 कितना आया 2 आया, तो आंसर कितना आया 0.27 किलो जूल पर सेकंड, क्योंकि यहां से पर सेकंड यूनिट चल ही जा रहे हैं साथ में, तो हमेशा क्या होता है किलो जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, किलो वोट, यही पावर, किलो वाट, तो यही पावर है क्या सर? हम ऐसा नहीं निकाल सकते सर, एफिशिएंसी कार्नोट क्लिक करने के बाद उसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारी सीओपी आ जाएगी सर। बहुत बढ़िया, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने निकाल लिया ये, इससे आपने एफिशिएंसी निकाली, कितनी आई सीओपी निकालनी है सर, एफिशिएंसी इसकी आई सर।
0.13 या 1.2, बहुत बढ़िया। अब इसका रिवर्स कर लिया, सीओपी आ गया सर हमारा, कितना आया? 7.69। अब आपको पता है सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। क्यों? क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय होता है वर्क डन। अब सीओपी आपके पास है, Q1 माइनस Q2 निकाल लिए सर हम, Q2 आपके पास है तो Q1 माइनस Q2 निकाल दिया, और Q1 माइनस Q2 से Q1 निकाल दिया, या फिर डायरेक्टली Q1 माइनस Q2 निकाल लिया। ये भी Q1 माइनस Q2 ही चाहिए ना सर वर्क डन? हाँ वही चाहिए, Q1 माइनस Q2 निकाल दिया, वर्क डन आ गया, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये भी अप्रोच बहुत अच्छी है। मैं तो बस इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली, मतलब किसी के लिए ये डायरेक्टली है, किसी के लिए ये डायरेक्टली है, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों चीजें बहुत बढ़िया है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नो सर। सभी स्टूडेंट मेरे साथ है, कोई भी स्टूडेंट पीछे तो नहीं रह रहा? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ये क्वेश्चन सोल्व ना आया हो, ना हुआ हो सोल्व भी, बताइए है कोई ऐसा कोई भी स्टूडेंट, बताइए किसी को डाउट है? सभी से हो गया, रमेश, आप रमेश से तो हो गया, बाकी और नवीन, राजन, राजन से हो गया, सर पहला वो आगे का प्रॉब्लम है, अपने हीट सप्लाई दोनों निकाला था क्या, मतलब P1 P2 का वैल्यू दोनों निकाला था क्या सर? पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, Q1 ही निकालना था, जस्ट मैंने Q2 निकाल दिया, Q1 निकालना था, क्वेश्चन तो Q1 का था बस, ठीक है ना, मतलब बस इस Q1 को यहाँ रख दिया, Q2 निकाल दिया, मतलब क्वेश्चन से कितने कैसे पता चला क्या पूछना चाहते हैं, मतलब Q1 ये बोला तो है उसने, डिटरमाइन द हीट टू बी सप्लाइड, सप्लाइड जी सर, सप्लाइड बोला जी सर, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको अभी PDF भेजने वाला हूँ, उसमें एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना जी। ये क्वेश्चन कीजिए, इसने क्या बोला है, इसने बोला एक आपके पास हीट सोर्स है, कितना टेम्परेचर है उसका, 827, ठीक है, 827 का हीट सोर्स है, उससे आप हीट ले रहे हो Q1, कितनी ले रहे हो, 2000 किलो जूल। यहां पे एक हीट इंजन है, अब अगर हीट इंजन है तो गारंटीड है Q2 भी होगा यहां पे, और यहां पे एक सिंक भी होगा जिसका टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। रिवर्सिबल हीट इंजन बोल दिया ना, रिवर्सिबल बोलने का मतलब ही कार्नोट हीट इंजन है, ये ऑपरेट कर रहा है दो रिजर्वायर के बीच में 827 और 27 डिग्री सेल्सियस। इंजन ड्राइव्स अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, मतलब यहां से जो वर्क निकल रहा है, हीट इंजन से वर्क निकलता है, जो यहां से वर्क निकल रहा है वो किसको चला रहा है, वो एक रिवर्स कार्नोट साइकिल को चला रहा है, रेफ्रिजरेटर को चला रहा है, वो क्या करता है, उल्टा Q2 से Q1 की तरफ हीट फेंकेगा, यही करता है रेफ्रिजरेटर भी। अब यहां पे बोला क्या है, इंजन ड्राइव द कार्नोट रेफ्रिजरेटर मेंटेनिंग 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस माइनस 13 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस से हीट उठा के 13 डिग्री सेल्सियस माइनस 13 डिग्री सेल्सियस एंड रिजेक्टेड हीट टू द रिजर्वायर एट 27 डिग्री सेल्सियस। सर यहां पे माइनस 13 नीचे होगा। हां हां, इसको ऐसे बना लो, चलो इसको ऐसे बना लो, और रिजर्वायर को फेंक रहा है 27 डिग्री सेल्सियस वाले रिजर्वायर को फेंक रहा है, मतलब ये एरो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और आपको वर्क देना पड़ेगा, यहां से वर्क देना पड़ेगा, यहां से जो वर्क निकलेगा हीट इंजन से
डब्ल्यू एच ई लिख देता हूं, और यहां पे जो वर्क देना पड़ेगा वो है रेफ्रिजरेटर का वर्क। तो वो काम क्या है कि 13 डिग्री सेल्सियस माइनस 13 डिग्री सेल्सियस यहां पे मेंटेन करके रख रहा है। अच्छा, हीट इनपुट टू द इंजन 200 किलो जूल दी हुई है और नेट वर्क अवेलेबल इज 300 किलो जूल। कहने का मतलब जो वर्क हीट इंजन निकाल रहा है और जो वर्क रेफ्रिजरेटर को चाहिए, अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 300 किलो जूल है। पहले तो मैंने क्वेश्चन समझ लिया। उसके बाद बोले हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड टू रेफ्रिजरेटर एंड टोटल हीट रिजेक्टेड टू द रिजर्वायर एट 27 डिग्री सेल्सियस। पहली बात तो ये, इसको मैं Q3 मान लेता हूं, इसको Q4 मान लेता हूं। इसने बोला है हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड टू रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले तो Q3 निकालो, उसके बाद क्या निकालो, टोटल हीट रिजेक्टेड, मतलब Q2 प्लस Q4 की वैल्यू निकालो। पहले तो बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. कोई भी स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो? सर, एक Q3 भी वाला नहीं आया सर। Q3 इसने बोला है ही इंजन ड्राइव्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर मेंटेनिंग माइनस 13 डिग्री सेल्सियस। जो ये इंजन है इसमें से वर्क निकलेगा, हम सभी को पता है इंजन में से वर्क निकलता है। जो वर्क निकल रहा है वो वर्क रेफ्रिजरेटर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए वर्क देना पड़ता है, बट हीट इंजन में वर्क मिलता है। तो जो वर्क मिल रहा है वो मैं रेफ्रिजरेटर को दे दे रहा हूं, बट देखा जाए तो जितना मेरे को वर्क मिल रहा था और जितना मैंने रेफ्रिजरेटर को वर्क दिया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 300 किलो जूल का। तो क्वेश्चन ये है कि माइनस 13 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए मैं कितनी हीट बाहर, रेफ्रिजरेटर में हीट को ट्रांसफर करते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम हीट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम तो वर्क देते हैं ना सर उसमें। एक बात बताओ, अगर हमने आपके घर में ये फ्रिज है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब आप वर्क दे रहे हो, तो इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है? बिल्कुल सर। तो वही बात बोल रहा है कि ये माइनस 13 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहना चाहिए इसके अंदर। अगर मेंटेन रहना चाहिए तो वर्क देना पड़ता है। तो यही वर्क जो WR है, ये वर्क दिया जा रहा है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तभी तो ये मेंटेन करके रख पाएगा। मैंने आपको बताया था हीट इंजन में वर्क मिलता है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में वर्क देना पड़ता है। तो वो वर्क मैंने यहाँ पे दिया WR। हो गया क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। हमने जो नेटवर्क लिया है तो वर्क रेफ्रिजरेटर माइनस वर्क हीट इंजन नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे देखो लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा है इसने, नेटवर्क अवेलेबल 300 किलो जूल। अगर आपको वर्क हीट इंजन दे रहा था, उसमें से कुछ वर्क आपने रेफ्रिजरेटर में डाल दिया, तभी तो नेट वर्क जो बचेगा वो 300 किलो जूल बचेगा, अदरवाइज माइनस में ना जाता। अदरवाइज माइनस में चला जाता, तभी तो नेट वर्क अवेलेबल 300 किलो जूल है। हुआ क्लियर? यस सर, हो गया। ठीक है, अब वही बात जो हम पुराने न्यूमेरिकल्स में करते आए हैं वही काम करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये दिखाता है कि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन हूं, होता बहुत इजी है। दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन की बात की जा रही है और यहाँ पे कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है, मतलब दोनों ही कार्नोट है। तो सबसे पहले वही पुरानी बात, Q1 by Q2 क्या होता है, T1 by T2। अब Q1 by Q2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, T1 कितना, 827 में 273 ऐड करो, 1100 डिवाइड बाय 27 में ऐड करो 300। तो Q1 by Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई ये, Q1 आपको दिया हुआ है 2000 किलो जूल, तो क्या यहां से आप Q2 निकाल सकते हो? 500 किलो जूल आएगी सर, 545, ठीक है, किलो जूल। ठीक है,
अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू आपके पास है, Q2 की वैल्यू आपके पास है, यहां तक मेरे साथ हैं सभी स्टूडेंट? अभी तक कुछ खास नहीं किया हमने, हुआ क्लियर यहां तक? यस या नो बोल दो। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इसने हमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों कनेक्ट करने के लिए बोल दिए, बट हम क्यों कनेक्ट करें? हम तो सिंगल सिंगल काम करेंगे जैसे आज तक करते आए हैं। तो हमने Q1 Q2 की वैल्यू निकाल ली, और मेरे को पता है वर्क डन के हीट इंजन के केस में क्या होता है, Q1 माइनस Q2, Q1 की वैल्यू है 2000, Q2 की वैल्यू है 245, तो W नेट कितना, W हीट इंजन कितना आ गया आपके पास, किलो जूल। बहुत ही सिंपल, यहां तक कुछ खास नहीं किया हमने। अच्छा, जैसे आपने क्या किया, आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया इस क्वेश्चन को। आपने बोला सबसे पहले मैं हीट इंजन सोल्व करूंगा और उसके बाद मैं रेफ्रिजरेटर सोल्व करूंगा। अब हीट इंजन टोटल सोल्व हो चुका है, यस और नो? यस सर। अगर हीट इंजन सोल्व हो गया है आपके पास, तो आपको पता है वर्क हीट इंजन माइनस वर्क रेफ्रिजरेटर 300 किलो जूल दिया है, तो वर्क डन रेफ्रिजरेटर कितना हो गया? ग्यारह सौ पचास किलो जूल। स्टेप बाय चल रहे हैं, कुछ खास बात है ही नहीं इसमें। अच्छा, अगर डब्ल्यू आर आपने 1154 किलो जूल दिया, तो वर्क डन ऑफ रेफ्रिजरेटर होता क्या है? Q3 माइनस Q4 होगा सर। एरो नीचे की तरफ है, ध्यान रखना, एरो नीचे की तरफ है। Q4 माइनस Q3 होगा। यार अगर हीट इंजन के केस में इन इज इक्वल टू आउट करते हो आप, मतलब Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2 करते हो, यही करते हो ना, इन इज इक्वल टू आउट, ये इन हो रहा है, वर्क आउट हो रहा है, और ये भी आउट हो रहा है, तो इन इज इक्वल टू आउट। वैसे यहां भी किया करो इन इज इक्वल टू आउट, इन क्या हो रहा है Q3 प्लस WR, आउट क्या हो रहा है Q4, तो WR क्या आएगा Q4 माइनस Q3। ठीक है, समझ गए यहां तक? तो Q4 माइनस Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, जितनी WR की वैल्यू है, और WR की वैल्यू है 1154, ये आपके पास आ गया Q4 माइनस Q3। यहां तक मेरे साथ सभी स्टूडेंट पहुंच गए? यस और नो? यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक पूछ सकता है? समझ गया सर, बिल्कुल क्लियरली। यस। ठीक है, अब आगे का स्टेप आप बताओगे कि, हाँ जी बोलो बोलो सर। WR आपका एग्जैक्ट 1154 आ रहा है कि पॉइंट भी आएगा कुछ? समथिंग पॉइंट भी आएगा, मैं पॉइंट को छोड़ता चला जाता हूँ, क्योंकि कभी भी मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ना SSC JEE में देखना आप, ऑप्शंस काफी दूर दूर होते हैं, तो एस्टिमेशन से चलते हैं हम। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव में आया हुआ है, मतलब कि पेपर 2 में आया हुआ है, तो इतना पॉइंट्स में आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको फाइनली कहाँ पहुंचना है? अब Q2 और Q4 की वैल्यू निकालनी है, Q2 की वैल्यू पता चल चुकी है, Q4 निकालना है अब आपको। अब कैसे निकालोगे इस इक्वेशन से Q4? तो यहाँ भी हीट और टेम्परेचर के रेशियो लेंगे, निकाल के बताओ Q4 की वैल्यू क्या आएगी? वही बात है जो मैंने आपको समझाई कि जब आपने एक इंजन को सोल्व कर लिया, आप दूसरे को सोल्व कर लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे Q3 बाय Q4 की वैल्यू क्या आएगी? T3 बाय T4, यही आएगी, 260/300। दो इक्वेशन, दो अननोन, एक की वैल्यू दूसरे में डाल लो, तो यहां से फाइनली Q3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7500।
हाँ नेगेटिव ले तो लिया, माइनस 13 कर दिया ना, 260 तभी तो आया, 273 में से माइनस 13 कर दो। और Q4 आ जाएगा 8659 किलो जूल। और फाइनली आंसर आपके पास आ गया Q2 प्लस Q4 की वैल्यू, Q2 आ गया 545 और Q4 आ गया 8659। ठीक है, तो 9204 आंसर आ गया फाइनल। देखो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को देखूं, जो भी आप आज स्टूडेंट मेरे साथ ये काम कर रहा है, हो सकता है आज की क्लास में उसको बड़ा टफ लगे, बट जब आज की क्लास को एक बार दोबारा रिपीट करोगे ना, आपको लगेगा कि हम हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हमने एक मेथड को पकड़ लिया, बस उस मेथड को छोड़ना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में आपको रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स हीट इंजन, रिवर्स रेफ्रिजरेटर, कुछ भी रिवर्सिबल दिख जाए या कार्नोट दिख जाए या रिवर्सिबल दिख जाए, तो पहला काम क्या है मेरा, Q1 by Q2 = T1 by T2 या फिर Q3 by Q4 = T3 by T4, ये इक्वेशन तो मेरे को लगानी है। जैसे मैं ये इक्वेशन लगाता हूं, उसके बाद मेरे पास W की वैल्यू आ जाती है Q1 - Q2 से। तो पहले मैंने हाफ इंजन को सोल्व कर लिया, इसको इसका वर्क निकाल लिया, उसके बाद मैं इस पे आया और फाइनली मेरे से पूछा गया था Q2 by Q4 की वैल्यू, जो कि निकल गई। आई थिंक अप्रोच तो सभी को समझ में आ गई होगी, बस प्रैक्टिस की बात है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पाते हो। अब मेरे को हर बच्चे से आंसर चाहिए, जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं क्या हमने एक ही मेथड यूज किया सभी में, यस और नो? यस सर, सभी में एक काम किया है, Q3 Q4 = T3 T4, ये वाला मेथड यूज किया है, और वर्क डन Q1 - Q2 होता है वो सभी को पता है। बस इन्हीं दो चीजों को पकड़ पकड़ के हम आगे चल रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जल्दी से। चलो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, देखना सेम मेथड यूज करूंगा मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करूंगा जो अभी तक हम करते आए हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप बस यही यूज करोगे। देखो क्या बोला था इसने, बोला कि भाई साहब विंटर सीजन चल रहा है। सर आंसर 11 है क्या? माइनस का 11 आ रहा सर। माइनस का 11 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओह माइनस, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसने बोला कि विंटर सीजन चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ही ठंडा चल रहा है, मतलब लेह लद्दाख का टेम्परेचर है ये, वहां का भी नहीं है कहीं और का ही है, -1°C, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मैं घर के अंदर बैठा हूं और मैं चाहता हूं 25°C टेम्परेचर रहे, मतलब ये मेरा घर है और ये बाहर का सराउंडिंग है, बाहर -1°C टेम्परेचर चल रहा है, मैं चाहता हूं मेरा जो रूम है वो 25°C पे रहे। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 25°C टेम्परेचर मेरे घर का रहे, तो मेरे को हीट यहां सप्लाई करनी है, लेनी कहां से है, यहां से लेनी है। कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर, किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, अब इसने बोला एस्टिमेट द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड, मैं मिनिमम से मिनिमम कितनी पावर दूं यहां पे टू रन द हीट पंप, इस हीट पंप को चलाने के लिए। ठीक है, ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर एज्यूमिंग द हीट लोड ऑफ 125 MJ/h। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, आप ऐसे चला लो। तो इसने बोला है कि हीट लोड कितना है, 125 MJ/h। अब ध्यान में रखना, कई स्टूडेंट होते हैं वो नहीं समझ पाते कि ये Q1 दिया या Q2 दिया है, मैं आपको बताता हूं। देखो कभी भी हीट लोड दिया हो, इस लोड का मतलब क्या है,
ये लोड दो तरीकों में होता है, रेफ्रिजरेटर में और हीट पंप में। अगर क्वेश्चन हीट पंप का है तो ये, अगर क्वेश्चन हीट पंप का है तो मेरे को पहले बताओ हीट पंप में, अगर मैं बोलूं हीट पंप का सीओपी बताओ तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, क्यू वन या क्यू टू? क्यू वन सर, इसमें डिजायर्ड इफेक्ट मेरा क्यू वन है। देखो किसको अगर इसमें भी डाउट है कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा तो मैं इसको और इजी कर देता हूँ। आप इस घर के अंदर बैठे हो, वाटर वाला सर, पानी टंकी वाला। हाँ बिल्कुल, आप इस घर के अंदर बैठे हो, आप क्या चाहते हो कि बाहर तो भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड चल रही है, मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस मेरे रूम का टेम्परेचर चाहिए, बाहर तो -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हीट पंप क्या करता है, पंप करता है, हीट को पंप करता है। तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, यही तो है कि मेरा रूम जो है वो गर्म रहे। डिजायर्ड इफेक्ट मेरा ये रहेगा क्यू वन डिवाइड बाय जितना भी आपने वर्क दिया है, वर्क क्या होता है क्यू वन माइनस क्यू टू। ठीक है यहां तक? बट अगर मैं बात करूं सीओपी रेफ्रिजरेटर की, उसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, उसमें डिजायर्ड इफेक्ट होता है आपका रेफ्रिजरेटर ठंडा रहना चाहिए और सराउंडिंग में आप हीट को छोड़ रहे हो, तो वो उसमें क्यू टू होता है नीचे वाला डिवाइड बाय डब्ल्यू। अब कभी भी लोड वर्ड दिया हो तो ये हमेशा डिजायर्ड इफेक्ट होता है, लिख लो, लोड का मतलब है डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट। तो हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, क्यू वन। रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है, अगर ये रेफ्रिजरेटर होता तो यहां पे मैंने खाना रखा है -13 डिग्री सेल्सियस पे, ये टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रहना चाहिए, बाहर कितना टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या कर रहे हो, यहां से हीट को यहां फेंक रहे हो और वर्क दे रहे हो। तो चाहे रेफ्रिजरेटर है चाहे हीट पंप है, दोनों के केस में वर्क देना पड़ रहा है, बट डिजायर्ड इफेक्ट अलग अलग है। यहां पे डिजायर्ड इफेक्ट ये है क्योंकि आप चाहते हो ये ठंडा रहे, कम टेम्परेचर वाला ठंडा रहे, क्योंकि यहां से हीट मैंने बाहर फेंकनी है। बट हीट पंप में क्या करना पड़ता है, हीट पंप में कम टेम्परेचर से हीट उठा के हाइयर टेम्परेचर पे भेजनी पड़ती है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये गर्म रहे। तो जब भी आप हीट को पंप करोगे तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट ये होगा, कभी भी रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो डिजायर्ड इफेक्ट ये होगा। अब लोड की बात अगर आई तो हीट पंप के केस में लोड ये होगा और रेफ्रिजरेटर के केस में लोड ये होगा। पहले मेरे को हाँ ना बोल दो, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल करेक्टली बताओ, यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस और नो, सभी का आंसर चाहिए? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। तो हाँ, किसी ने हाँ ही नहीं बोला, नहीं आया समझ में? नहीं सर, आ गया। बाकी स्टूडेंट बताओ समझ में आई यहाँ तक? आ गया सर, आ गया। तो हाँ या ना बोल ही नहीं रहे कुछ, मैं आगे कैसे बढ़ूं? यस सर, यस सर। कम से कम यस बोल दो ना अगर समझ में आए, नहीं आए तो बताओ मैं दोबारा बताऊं। तो आगे बढ़ू मैं, यस या नो बोलता हूँ? यस सर। अब यहाँ पे देखो, इतनी बात मेरे को समझ में आती है कि हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्यू वन है और रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट मेरा ये होता है, क्लियर। अब क्वेश्चन एग्जाम का है कि हीट लोड है 125 मेगाजूल पर आवर, मतलब ये लोड मैंने बताया पंप के केस में लोड ये होगा 125 मेगाजूल पर आवर। अब सिंपल सी अप्रोच है, क्वेश्चन मेरे समझ में आ गया है। अब सिंपल सी अप्रोच क्या है वो देखो, जो अभी तक करते आए हैं। सीओपी हीट पंप मेरे को पता है, हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी देखते हैं और सीओपी किस के केस में देखते हैं, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के केस में। अब इसका सीओपी निकाल लो फटाफट, सीओपी क्या होगा इसका, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 - Q2/Q1, यस और नो? क्योंकि सीओपी सीओपी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी। यस सर। ठीक है, अब
दिया क्या था यहाँ पे, यहाँ पे दिया क्या था? अच्छा हाँ, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई, यहाँ पे कहीं पे भी आपको रिवर्सिबल हीट पंप नहीं लिख रहा, ना तो कार्नोट हीट पंप लिख रहा है, बट यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, मिनिमम पावर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसलिए सर ये कार्नोट होगा, इसीलिए ये कार्नोट हो जाएगा, क्योंकि कार्नोट ही है जो सबसे मिनिमम पावर देता है, ठीक है, मिनिमम पावर में हीट पंप को चला देगा, मिनिमम पावर में रेफ्रिजरेटर को चला देगा, रिवर्स कार्नोट साइकिल। और अगर हीट इंजन की बात आई तो मैक्सिमम पावर देगा, ये ध्यान में रखना, हीट इंजन के केस में मैक्सिमम पावर देगा और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में मिनिमम पावर लेगा, क्लियर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फटाफट कार्नोट का Q2 by Q1 लगा दिया, क्योंकि मेरे को T2 by T1 पता है, क्लियर। कितने T2 by T1, ऊपर 25 है, नीचे -1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q2 by Q1 कितना आ जाएगा, 272 डिवाइड बाय 298। अब Q2 by Q1 की वैल्यू आपको पता है, यहां पे रख दो और COP निकाल दो, कितना आया COP, आया सभी का COP, यही आया सभी का, निकाल रहे हैं सर, हाँ निकाल के देखो, इसको हम वैसे निकाल सकते Q2 और Q1 करके, कैसे 11.2 ओवर Q1 इक्वल टू T2 ओवर Q1, इससे हम Q2 की वैल्यू निकाल देंगे। हाँ हाँ, वो भी सही है, वो भी कर रहा है ना, बात तो वही है, बात एक ही है, ठीक है। सीओपी आपका 11.4 आ जाएगा यहाँ पे, बस सीओपी आने की देर है, उसके बाद तो काम हो गया आपका। सीओपी क्या होता है, Q1 by W डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, क्योंकि Q1 by Q2 है, बस सीओपी निकाल लिया आपने, यहां से वर्क डन निकाल लो, Q1 डिवाइड बाय सीओपी 11 मेगाजूल पर आवर, 10.90, हाँ 10.90 या 11 एक ही बात है, ठीक है। अगर बाय चांस आपसे किलोवाट में पूछ लेता, 3600 से डिवाइड कर देते, 3600 से डिवाइड करते, डिवाइड करते, हाँ देखो 11 3600 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 की पावर मेगा को यूनिट में करते, 10 की पावर 3 करते सर, 3 से करते, ठीक है ना। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास किलो वाट में आ जाएगा 3.02 किलो वाट, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करूं तो मेरे को करना कुछ नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ एक दो बातें आपको यह दिखानी थी कि यहाँ पे मिनिमम पावर वर्ड लिखा हुआ है, तो मिनिमम पावर वर्ड का मतलब यह है कि ये कार्नोट की बात कर रहा है, कार्नोट की बात कर रहा है, तो फिर से वही बात कि Q2 by Q1 is equal to T2 by T1 में कर सकता हूं। COP क्या होता है, वो हम सभी को पता है, Q1 by W, W क्या होता है, Q1 minus Q2, बस वहीं से हमने W की वैल्यू निकाली 11 मेगाजूल पर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। मैं अभी आपको सभी को PDF सेंड कर रहा हूं ग्रुप में, जो सीनियर बैच है उनके ग्रुप में भी कर रहा हूं, जो जूनियर बैच है उनको भी कर रहा हूं। तो आप सभी घर पे बैठ के सोल्व करो क्वेश्चंस को, और भी बहुत क्वेश्चन है इस PDF में, सारे क्वेश्चन सोल्व करो। बाय चांस किसी में दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इंट्रोपी के करवाऊंगा ना क्वेश्चन, तो उसमें मैं आपके ये डाउट ले लूंगा, बट इतना गारंटीड है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है PDF में वो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी है और समझ में आ जाएगी आपको। मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूं, सभी अपना अपना ग्रुप चेक कर लो। ठीक है, चली गई आपको सभी को, तो आप सभी ना इस PDF को एक बार देख लो और ट्राई करो, सभी क्वेश्चन आपसे हो जाए, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपसे। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।